हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जे एम बी रुद्राक्ष साइंस क्लासेस। टुडे आई विल डिस्कस यू द चैप्टर रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज व्हिच आर वेरी हेल्पफुल फॉर द क्लास प्लस वन नीट टीजीटी टीटी पीजीटी एंड एलडीस। क्लियर? तो रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स देयर इज सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट विद। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लाइकोलाइसिस जो है वो हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। क्लियर? तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज द प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस। सो इट्स मीन इट इज रिलेटेड विद द ग्लूकोज। इट्स मीन द ऑप्शन नंबर वन दैट इज करेक्ट। क्लियर? तो ग्लूकोज इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू। क्लियर? पहले किसकी मेम्ब्रेन? माइटोकॉन्ड्रिया की। क्या है? इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मीन्स जो हमारे पास जो है वो पास नहीं होने देते मटेरियल को, मीन्स वो उसको क्रॉस नहीं करने देगी मेम्ब्रेन। क्लियर? तो हमारे पास गिवन ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एंड पाइरूवेट। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि वो गैसेज इम्परमिएबल होती है, उसके लिए पाइरूवेट भी परमिएबल है और हमारे पास ग्लूकोज है जो कि इम्परमिएबल होता है। मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल है ग्लूकोज को, तो इसीलिए जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है दैट इज इन साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म में होती है और देन वो जो है वो नेक्स्ट प्रोडक्ट को पास करती है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू। अब हमारे पास है कि नेक्स्ट मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है परमिएबल किसके लिए है? तो अभी अभी हमने किया कि ग्लूकोज के लिए तो वो परमिएबल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, हमारे पास ग्लूकोज अंडर कार्बोहाइड्रेट सकते हैं एटीपी, नो। दिस करेक्ट ऑप्शन इज पाइरूवेट, बिकॉज वी नो दैट अपने रेस्पिरेशन में पढ़ा है कि रेस्पिरेशन में जब हमारा ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज तो वो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस करता है इन द साइटोप्लाज्म और एंड प्रोडक्ट वो पाइरूवेट बनाता है और वही जो है वो पाइरूवेट आगे पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन से और वो जाता है inside the mitochondria. Now the next, I will take the next question, that is the question number 4. There is both the glycolysis and Krebs cycle. Krebs cycle is also called as citric एसिड साइकिल। क्लियर? तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या? ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इन दोनों को जो प्रोसेस बीच में प्रोसीड करता है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्लियर? नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास द नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन व्हाट डू यू मीन बाय? ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन फूड जो है वो ऑक्सीडेटिवली ब्रेक डाउन हो रहा है। क्लियर? और वी नो दैट कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास टू प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल हो रहा है और उसमें हमारे पास जो है वो नेट हमें गेन जो होता है बेटा वो होता है 38 एटीपी का। आउट ऑफ दैट हमारे पास 2 एटीपी जो है वो यूज हो जाते हैं जब हमारा साइटोप्लाज्म में फॉर्म हुआ एनएडीपी को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। क्लियर? तो टोटली अगर हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन अगर 36 लिखा हो तो वो भी करेक्ट हो गया क्योंकि नेट गेन हमारे पास जो रह जाता है दैट इज 36 एटीपी मॉलिक्यूल। लेकिन अगर ओवरऑल हम यूज ना देख रहे तो यहाँ पे हमारे पास कितना गेन होता है 30 एटीपी। नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। द नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन एनरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे आपकी कौन सी रेस्पिरेशन है? एनरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? तो एनरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास क्या होती है? एनरोबिक रेस्पिरेशन जो विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की हेल्प से हो रही है, जिसे हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में ही टेक प्लेस होती है और उसमें हमारे पास जो है वो एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड और एल्कोहल फॉर्म हो रहा है, जहाँ हमारी मसल सेल्स में भी जो है वो एनरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो इसमें जो है वो बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमें फॉर्म होती है, तो उसमें जो नेट गेन हमारे पास रहता है वो क्या? हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज यूजुअली इन रेस्पिरेशन वेयर द वाटर इज फॉर्म। क्लियर? अब यहाँ पे हमें देखो तो फोटोसिंथेसिस से बिल्कुल अपोजिट है। फोटोसिंथेसिस में हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता था और रेस्पिरेशन में हमारा जो है वो वाटर फॉर्म होता है। जैसे आपने देखा भी है कि जब हम एक्सहेल करते हैं, आजकल विंटर सीजन है तो आजकल हम एक्सहेल करते हैं तो हमारी मुंह में से हम बोलते हैं कि धुआं निकल रहा है, दैट इज नॉट दैट। वो वाटर वेपर्स होते हैं जो एयर में आते ही जो है वो कंडेंस हो जाते हैं और हमें जो है वो आपको लगता है कि बाहर जो है वो स्मोक निकल रहा है। क्लियर?
तो ये हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4। आपने ये पढ़ा है कि हम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स है जो हेल्प करते हैं, तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कि कॉम्प्लेक्स 4 है जो हमारा हेल्प करता है रेस्पिरेशन ऑफ वाटर के लिए। क्लियर? नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो हमारे लिए जो पहले मेन सोर्स है एनर्जी का, वो आपको पता ही है कि हमारा जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, वो हम किससे लेते हैं। हमारा तो मेन सोर्स जो है वो क्या है, हम बोलते हैं ना इंस्टेंट एनर्जी लो ग्लूकोज से। तो हमारा प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में आता है? हमारा अंडर कार्बोहाइड्रेट्स में। तो मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और नॉन ऑफ द अबव में से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट्स। की कार्बोहाइड्रेट जो हमारे होते हैं ये हमारे प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, जिससे हमें डायरेक्टली जो है वो एनर्जी मिलती है। हम इनको पढ़ते भी हैं लोअर क्लासेस में कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, तो उनमें से हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? प्राइमरी एनर्जी सोर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज सेकेंडरी एनर्जी सोर्स इज। अब सेकेंडरी पूछ, प्राइमरी हमारे पास क्या था? कार्बोहाइड्रेट। अभी मैंने बोला कि हम लोअर क्लासेस में वी हैव लर्न दैट कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग सोर्स। ठीक है, तो वो हमारे पास एनर्जी मीन्स जो हमारा सेकेंडरी एनर्जी सोर्स है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, मीन्स फैट्स इसका आंसर आ जाएगा। कि हम अगर फर्स्ट एनर्जी सोर्स हमारा कार्बोहाइड्रेट है तो सेकेंड हमारे पास क्या है? फैट्स है। नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शुगर फॉर्मेशन अलोन नीड्स। तो जो हमारा जो प्रोसेस होता है उसमें जब हमारी शुगर फॉर्मेशन होती है उसमें हमारे पास जो है वो क्या चाहिए, हमें इनमें से जो चाहिए, हमारे पास बेटा लिखा हुआ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP और लिखा हुआ है ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इसमें से आपको जो है वो करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है कि हमें कौन सी जरूरत होती है शुगर फॉर्मेशन में। ठीक है, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसको आप रीड करते हो ग्लाइकोलाइसिस में भी। ठीक है, तो ये हमारे पास था लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।